हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं पाइल्स के विषय में जानकारी लेके आई हूँ कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं। ख़राब डाइट की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बताती हूँ आपको, आज गर्म पानी पीने के बारे में जानकारी लेके आई हूँ। जैसे कि बोलते हैं कि पाइल्स की जो प्रॉब्लम है उसमें गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं, तो उस डाउट को आज क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। ये जो पाइल्स की बीमारी होती है, हमारे गलत खान पान की आदत की वजह से जो कब्ज हो जाती है, तो कब्ज ही पूरी तरह से जिम्मेदार होती है बवासीर की बीमारी की। कब्ज को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी होता है। डाइट में फाइबर ज़्यादा लें, फ्रूट्स, और कब्ज को दूर रखने के लिए ही जो भी चीज़ें आपको फायदा करती हैं, जो भी आपको लगता है वही लें। जैसे कि फाइबर वाली चीज़ें ही लेना चाहिए, और पाइल्स की परेशानी है वो गर्म पानी का सेवन करने से परहेज करें। तो मैं बताती हूँ, गर्म पानी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये पानी बिल्कुल उबल रहा है, तो ये उबलता हुआ पानी आपको नहीं लेना है। गर्म पानी पीने से, जैसे कि इतना गर्म पानी पियेंगे तो पाइल्स के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे कि तो ये पानी आपको उबलता हुआ पानी नहीं लेना है, इस तरह का पानी लेना है जो कि हल्का सा गुनगुना हो। जो ये हमने रखा है इसमें हाथ डालें तो बिल्कुल भी जले नहीं, बिल्कुल भी ये हाथ पे आप रख सकते हैं। गर्म होना चाहिए लेकिन बिल्कुल गुनगुना हल्का गर्म पानी पाचन को दुरुस्त रखता है, कब्ज से निजात दिलाता है। कब्ज को दूर होने पर ये स्टूल को भी लूज करता है, और स्टूल जब लूज होगा तो कब्ज ख़त्म होगा और फिर प्रॉब्लम होगी नहीं। गुनगुने पानी का सीधे सेवन आप कर सकते हैं, इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, हल्का सा काला नमक भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का पानी आपको पीना है, उबलता हुआ पानी पियेंगे तो अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो ये बीमारी मतलब और बढ़ा देगा, क्योंकि गर्म चीज़ें बोलते हैं ना, गर्म चीज़ें नहीं लेना है। तो आपको गुनगुना पानी लेंगे तो आपकी कब्ज की जो शिकायत है वो दूर होगी, आपका पेट साफ होगा। तो बस इतना है कि आपको जानकारी होना, गुनगुने पानी में आप थोड़ा सा नींबू का 2-3 बूंद डालकर, थोड़ा सा काला नमक डालकर इसे आप लेते हैं, आपका पेट एकदम साफ होगा। जब पेट साफ होगा तो कब्ज, पाइल्स, फिशर, जितनी भी बीमारी हैं नल से रिलेटिव, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे गर्म पानी होता है, गर्म पानी पीने से कब्ज से निजात मिलती है, लेकिन गर्म नहीं गुनगुना, और पाइल्स की प्रॉब्लम जो होती है उससे भी आराम मिलता है। तो इस तरह से आपको पानी का ध्यान देना है, गर्म या गुनगुना। गुनगुना पानी लेते हैं तो आपकी जब कब्ज आएगी तो आपको जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। और अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा यूज करें। फाइबर में जैसे कि फल हो गए, अपना ये रोटी आप खाएं तो चोकर सहित खाएं, मोटे आटे की रोटी खाएं। उसके बाद आपको फ्रूट में ये अंजीर, मुनक्का, डेट्स, इन चीज़ों को डेली शामिल करना है। उसके बाद आपको फल भी लेना है तो जैसे पपाया का ज़्यादा सेवन करें, पपाया के बाद अमरूद, पाइनएप्पल, बनाना और छाछ, तो इनको अपनी डाइट में अच्छे से शामिल करें, ज़रूर शामिल करें। अपनी डाइट को आप चेंज करके अपनी पाइल्स की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं होती है, लेकिन अगर बढ़ जाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जैसे कि पत्तेदार सब्जियाँ जो होती हैं उनको अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें। तो इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप इस बीमारी को बाय बाय कर सकते हैं। और हमने हिडेंशा क्रीम डाला है, उसको ज़रूर यूज करें। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी, नई जानकारी लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में, मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी ज़रूर सेवा करूँगी।